हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ रसम वड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये बारिश के मौसम में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मा गर्म रसम और साथ में ये वड़े मिल जाए तो नाश्ते का मज़ा आ जाता है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सब कुछ घर के अंदर ही मौजूद होता है, उन्हीं मसालों से ही बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने धनिया की डंडी और धनिया काट लिया है, और यहाँ पर 3 टमाटर है, इसको भी हम काट लेंगे। कुकर में यहाँ पर थोड़ा सा तुअर दाल है, और इसमें हम थोड़ा सा पानी और नमक हल्दी डालकर अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे ताकि जो ये दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी, और ढक्कन लगा के अच्छे से इसे पका लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, तो काली मिर्च ज़रूर से डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डाल के इसको इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, पल्स मोड पे चला दें। थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा सा लहसुन, तो लहसुन को छिलके के साथ ही डालना है, और साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा प्याज है, उसको भी काट के डाल देंगे। इसको भी अच्छे से सबको हम दरदरा सा कूट के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये मसाला हमने घर के ही सारे मसालों से बनाकर तैयार कर लिया है। आज इसे मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, और ये फर्स्ट टाइम ये हांडी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा इसमें घी डाला है, और डालने के बाद इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। अब अगली बार जो कुछ भी इसमें बनेगा तो इससे इसकी घी की खुशबू आएगी। ऐड किया है इसमें थोड़ा सा तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा राई, थोड़ा सा ज़ीरा, और साथ ही डाल देंगे उड़द की दाल। और इन तीनों चीज़ों को जब तक थोड़ा सुनहरा सा नहीं हो जाए तब तक इसको भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच मेथी दाना। जब तक गोल्डन सा कलर नहीं हो जाए फ्राई कर लेंगे। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे मैं गोल वाले यूज़ कर रही हूँ लाल मिर्च, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाला है इसमें थोड़ा सा करी पत्ता और हींग। अभी ही इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि रसम कितना ही टेस्टी बन के तैयार होगा। साथ में ऐड कर देंगे अभी जो मसाला कूट के रखा है, और इस मसाले को डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला यहाँ थोड़ा भून गया है, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। अब इसमें जो टमाटर काट के रखा था ऐड कर देंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इस टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता है तब तक इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। और जब तक यहाँ पे टमाटर हमारा गल रहा है, चलिए हम वड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रात में ही मैंने यहाँ उड़द की दाल को भिगो करके रखा था, डाल देंगे मिक्सर जार में। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो नमक डाल देने से अभी ही इसको पीसने में आसानी रहती है। ढक्कन लगा के अभी बिना पानी का ही पीस लेंगे इसको। तो देखिए, ये दरदरा सा पीस गया है। पानी एकदम कम से कम डालना है, और जो पानी इसमें डालेंगे वो बिल्कुल ठंडा पानी, फ्रिज का पानी डालेंगे, और डाल के पीस लेंगे। तो देखिए, इस तरह का दरदरा सा हमने पीसा है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग, और इसे अब अच्छे से फेंटेंगे। तो फेंटने में मुझे इसमें दिक्कत हो रही थी, छोटा था ये बोल, तो इसको मैंने टर्न कर दिया है बड़े बोल में, और डाल के अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा वड़ा बन के तैयार होगा। और देखिए, फेंटते फेंटते ये बिल्कुल मक्खन जैसा हल्का हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट आपको अच्छे से फेंटना है इसको। तो देखिए कितना अच्छा फिट गया है ये। ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी डाला था, जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ, यानी कि शूट करना भूल गई हूँ। अच्छे से इसको फेंट लेंगे, और देखिए ये कितना फ्लफी हो गया है। थोड़े से पानी में इस तरह से डाल के चेक करेंगे, देखिए एकदम फ्लोट कर रहा है, यानी कि हमारा वड़ा का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। टमाटर भी यहाँ पे अच्छे से गल गया है।
थोड़ा सा भून लेंगे। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये डंडी के साथ डालना है, इसी से इसका अच्छा टेस्ट आता है रसम का। और इसको अच्छे से थोड़ा सा डाल के भून लेंगे। दाल भी बढ़िया से गल गई थी, ऐड कर देंगे इसमें दाल। इसमें बहुत थोड़ा सा डालते हैं, और ये जो रसम होता है बिल्कुल वाटरी सा होता है, तो बिल्कुल पतला बनता है ये। ज़्यादा दाल डालेंगे अगर तो गाढ़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही दाल आपको उबाल कर इसमें डालना है। आपको जितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें, और पानी हमेशा उबाल के ही डालना है इसमें। यहाँ पर थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा गुड़ को मैंने अच्छे से पानी में घोल के रखा हुआ है, डाल देंगे इसे छान कर। गुड़ बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बस ये जो खट्टापन और जो तीखा है उसको बैलेंस करने के लिए है। और लीजिए, ये रसम हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसे आप ऐसे भी चाहें तो पी सकते हैं, एज अ सूप भी ये बहुत अच्छी लगती है पीने में, या फिर रसम के साथ आप चावल भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तेल को गर्म करना है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इन वड़ों को फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में वड़ों को नहीं फ्राई करना है, नहीं तो बाहर से पक जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो लो टू मीडियम हीट पे ही इसको फ्राई करना है। तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर अगर आप दाल को पीसेंगे तो बिल्कुल फ्लफी और जालीदार बन के तैयार होता है। इसे गर्मा गर्म रसम के साथ आप एंजॉय करें, मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई हो। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट का हमेशा ही इंतज़ार रहता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।